हेलो भाई लोग, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी। भाई लोग थोड़ा भाई को भी सपोर्ट करो यार। तो आज हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो आप लोग कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको उतारना है उतार लीजिए। वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाई लोग पूरा अच्छे से भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे नहीं हो गया, देखिए एक से मतलब स्वयं से और किसी अन्य संख्या से, जैसे हो गया 4, 6, 8, 9 सब स्वयं और जे अभाज्य संख्या। देखिए वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाई लोग देखिए, जैसे ना इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक केवल दो गुणनखंड हो तो दो, देखिए जैसे एक हो गया, एक नहीं होगा, दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे हो गया। भाई लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लोग अगले वीडियो में ये सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताएंगे। और मतलब आप तो देर किस बात के, जाइए और चैनल पे और देखिए सम संख्या और विषम संख्या के बारे में।